वेलकम बैक टू एवरी वन ऑन वेकअप अकेडमी। आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हमारी रूल्स की क्लास है और रूल्स की क्लास में आज हम क्या पढ़ेंगे? कुछ कंजंक्शन से रिलेटेड रूल्स को स्टडी करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? नाउन के रूल्स पढ़े हैं, वर्ब की दो क्लासेस हमने ली हैं, वर्ब के रूल्स पढ़े हैं दो क्लासेस में, और हमने क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़े हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हालाँकि सारा ही कुछ इम्पॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ पढ़ा ही नहीं रही हूँ जो आपके कैट के एग्ज़ाम में आपको हेल्प ना करे। उतना ही ले रहे हैं जितना कि आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। उसी सीक्वेंस में आज हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या मीन्स? कंजंक्शन से रिलेटेड रूल्स के बारे में। अब मैं आपको ये बताऊँ कि कंजंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कैसे काम करता है, तो इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। सीधा सा इतना समझ लो कि जोड़ने के वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं। मीन्स टू वर्ड्स को, या फिर मान लो टू फ्रेजेस को, या फिर टू सेंटेंसेस को, या फिर टू क्लॉजेस को, जो भी जोड़ते हैं वो क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। सीधी सी बात समझने के लिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं कंजंक्शन के बारे में, जैसे कि मैंने बोला कि एन ऑनेस्ट एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अगर मैं ये लिखती हूँ कि राम इज़ अ ऑनेस्ट बॉय एंड सेकेंड वन राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, दोनों सेंटेंस राम के बारे में है। मैंने बोल दिया कि राम इज़ अ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट बॉय, तो दो सेंटेंस ऐड हुए किससे? एंड से। तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो पहले हम ऐसे ही कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस के नाम लिखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? मीन्स नॉट ओनली लिख के आ गया तो आगे मान लो दैट लगा दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंजंक्शन के साथ में क्या यूज़ होता है एग्जैक्टली। तो पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना कि को रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। को रिलेटिव कंजंक्शन, पहले कुछ लिस्ट लिखेंगे इन कंजंक्शंस के नेम की, ठीक है, ताकि क्या हो कि एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो आपको पता हो कि कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। ऐसे चलो क्या ही डॉट्स बनाएंगे, लिखो अपनी कॉपी में, अच्छे से लिखना, मेरी तरह मत लिखना। नीदर के साथ, अरे ईदर के साथ में क्या आएगा? और आएगा, ठीक है। सेकंड, नीदर के साथ में क्या आएगा? तो नीदर के साथ में सभी को पता है नॉर आएगा। नॉट ओनली के साथ में क्या आएगा? नॉट ओनली के साथ में आएगा बट ऑल्सो, ये भी सबको पता है। इन तीनों में वर्ब कैसे लगती है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वाला सब्जेक्ट, ये लास्ट क्लास में बताया था, रूल है ध्यान रखना। बिटवीन के साथ क्या आता है? अगर बिटवीन यूज़ हुआ है तो बिटवीन के साथ आगे अगर कुछ यूज़ हुआ है तो वो क्या यूज़ होता है? एंड यूज़ होता है, ठीक है। बिटवीन के साथ में एंड यूज़ होता है। साथ ही साथ बोथ के साथ में किसका यूज़ होता है? तो बोथ के साथ में भी क्या यूज़ होता है? एंड यूज़ होता है। उसके अलावा लीस्ट के साथ में क्या यूज़ होता है? तो लीस्ट के साथ में शुड यूज़ होता है, लीस्ट शुड। कहीं पर लीस्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा और उसके आगे एंड मिल जाए, दैट मिल जाए, तो नहीं, लीस्ट के साथ होता है शुड। हार्डली के साथ क्या होता है? हार्डली के साथ होता है वेन। हार्डली के साथ वेन होगा। नो सूनर के साथ क्या होगा? नो सूनर, नो सूनर के साथ दैन होगा। ध्यान रखना टी एच ई एन है कि टी एच ए एन है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये इतने नोट करो, आगे के पेज पे लिखते हैं और सारे। साथ में क्या है? नो आया है, नेवर आया है, या फिर क्या आया है? नॉट आया है। तो इसके साथ में आगे और यूज़ होगा। सो के साथ में आगे दैट यूज़ होगा, या फिर क्या यूज़ हो सकता है? एज यूज़ हो सकता है, ठीक है। सच के साथ में आगे क्या यूज़ होगा? तो सच के साथ में भी सेम टू सेम है, दैट होगा, नहीं तो एज होगा। ये और ऑल्दो या दो के साथ क्या आता है? ऑल्दो हो गया या दो हो गया, ठीक है। तो इसके साथ में आगे आता है येट एंड कॉमा, ठीक है, कॉमा, ठीक है, येट या फिर कॉमा यूज़ होगा इसके साथ में। तो ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन थे। ये मैंने आपको क्यों बताए? ये बताने का मतलब ये था कि मान लो क्वेश्चन आता है जिसमें सो का यूज़ हुआ है, सो के साथ में आगे दैट और एज ना लगा के दे दिया, क्या और दे दिया,
तो आपको पता चलना चाहिए कि कॉम्बिनेशन किसका था, सो के साथ में एज यूज़ होगा या फिर दैट यूज़ होगा। मीन्स मैंने बोल दिया ही इज़ एज टॉल एज हिज सिस्टर की जगह मैंने बोल दिया ही इज़ सो टॉल एज हिज सिस्टर की जगह ही इज़ सो टॉल दैट हिज सिस्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि सो के साथ कॉम्बिनेशन किसका है, एज और दैट का है, कहाँ पर क्या यूज़ करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रूल्स की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे रूल क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर का रूल है, अच्छा ऑल्दो दो के बाद हम यट का या फिर कॉमा का यूज़ करेंगे तो इसको आपको रूल में नहीं लिखवाते हैं, आपको पता होगा। हार्डली हो गया, ध्यान देना इस रूल पर, हार्डली, बेयरली, बेयरली और स्कैर्सली, ठीक है, वाई है ये, ठीक है। हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, ध्यान रखना, ये होते हैं नेगेटिव वर्ड्स और इनके साथ में नो का, नॉट का, नेवर का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इनके साथ में नो, नॉट, नेवर, इन सभी का यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही होते हैं नेगेटिव वर्ड्स। कुछ को ये रूल्स पता होगा, कुछ को इसके सेंटेंस को भी देख के दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई एम हार्डली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर माय एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम में लिख कर के आया, आपको एरर फाइंड आउट करनी है कहाँ पर एरर है। आपने क्या अगर रूल्स को स्टडी किया होगा तो आपको पता चलेगा कि हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली ये होते हैं नेगेटिव वर्ड्स, इनके साथ में नो का, नॉट का, नेवर का यूज़ नहीं होता है। मीन्स ये खुद ही नॉट का सेंस देते हैं, खुद ही नो और नेवर का सेंस देते हैं। तो आपने लिखा है यहाँ पे आई एम हार्डली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम, तो आपको लगता है यहाँ पर नॉट यूज़ होगा। आई एम हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, मीन्स ना के बराबर, ठीक है, एक तरह से ये ना के बराबर होता है, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल, हार्डली या स्केर्सली, बेयरली, तो यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं होगा। एरर कहाँ पर आएगी, नॉट में आएगी, कि इसके साथ में नॉट का यूज़ नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना। सेकेंड रूल क्या है हमारा, तीनों ही वर्ड्स के लिए था, वो हार्डली के लिए भी, स्केर्सली के लिए भी और बेयरली के लिए भी। नो सूनर, नो सूनर प्लस वर्ब आगे आएगा दैन, ठीक है। और सेकंड क्या है, हार्डली स्कैर्सली ई है ये, ठीक है, प्लस वर्ब आगे आएगा व्हेन, ठीक है। इनके बाद मोस्ट कॉमनली जो हमारी वर्ब होती है वो या तो कौन सी आएगी, हैड या फिर डिड, यहाँ पर मोस्टली डिड होती है और यहाँ पर वर्ब होती है हैड, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा है कि हार्डली या स्कर्सली आया हुआ है, आगे वेन की जगह क्या दे दिया, देन दे दिया, तो वहाँ पर एरर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको रूल लिखवाया है कि हार्डली स्कर्सली प्लस वर्ब के साथ में आता है व्हेन, और नो सूनर के साथ में क्या आता है, नो सूनर के साथ में आता है दैन का यूज़, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने बोला नो सूनर डिड, नो सूनर, नो सूनर के साथ जो वर्ब आएगी वो डिड होती है और हार्डली के साथ जो आती है वो हैड होती है। ये बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि कभी कभी डिड की जगह हैड या डू, डस, कुछ भी लिख दें तो आपको पता होना चाहिए कि ना भाई, इसके संग में डिड ही आएगा, इसके संग में हैड ही आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। नो सूनर डिड ही इंटर द क्लास दैन द टीचर सेंड हिम आउट, सेंड हिम आउट। अब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख के आया, आपको नो सूनर देखकर ही दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर एग्ज़ाम में नो सूनर या हार्डली स्कर्सली से क्वेश्चन आया तो एरर हमेशा उसी पार्ट में ही होगी, ठीक है। नो सूनर आपने देखा
पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि नो सूनर के बाद क्या आएगा, डिड आएगा, ठीक है, सही है। और आगे सेकंड वाला जो आएगा पोर्शन इस पैरेक मतलब ख़त्म होने के बाद, वहाँ पर देन आएगा, देन है तो सही है। एरर क्या होती है, मोस्टली डिड की जगह पर कुछ और दिया होगा, देन की जगह पर कुछ और दिया होगा, तो इन्हीं पोर्शंस में आपको एरर को फाइंड आउट करना होगा। ऐसे यहाँ पर हार्डली होता नो सूनर की जगह पे, तो डिड की जगह हैड होता और देन की जगह पर वैन होता। आई थिंक अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है रूल हमारा, थर्ड नंबर का रूल, नंबर थ्री पर रूल है हमारा लीस्ट, LEST, लीस्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लीस्ट के बाद हमेशा क्या यूज़ होगा, शुड का यूज़ होगा। लीस्ट के बाद लीस्ट शुड यूज़ होता है, और ये जो होता है खुद में नेगेटिव वर्ड होता है लीस्ट भी, ठीक है। लीस्ट क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, और जो नेगेटिव वर्ड होता है उसके साथ में नो का, नॉट का, नेवर का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो लीस्ट के साथ भी हम नो, नॉट, नेवर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले आपको जो बताया था फर्स्ट वाले रूल में कि हार्डली के साथ में, जो कि हार्डली नॉट नहीं होता है, तो ऐसे ही लीस्ट के साथ भी नॉट का यूज़ नहीं होता है। ये खुद में क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है, फोर नंबर का रूल, अनटिल। अनटिल का यूज़ कहाँ होता है, अनटिल जो होता है वो टाइम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अनटिल जो होता है वो टाइम ओरिएंटेड होता है। इसी के साथ में दूसरा क्या होता है, अनलेस होता है। ये अनलेस क्या होता है, ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। अभी समझना इसका मतलब क्या है, ठीक है। अनटिल होता है टाइम ओरिएंटेड और अनलेस होता है एक्शन ओरिएंटेड। दोनों ही अनटिल और अनलेस कैसे वर्ड होते हैं, तो दोनों ही ये होते हैं नेगेटिव वर्ड। अगेन जब भी नेगेटिव वर्ड होंगे तो इसके साथ में नो का, नॉट का, नेवर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अनटिल, अनलेस दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं और दोनों के ही साथ में नो का, नॉट का, नेवर का यूज़ नहीं होता है। जब भी कभी टाइम की बात हो रही होगी तो वहाँ पर किसका यूज़ होता है, अनटिल का यूज़ होता है, और जब भी कभी एक्शन की बात हो रही होगी तो वहाँ पर किसका यूज़ होता है, अनलेस का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि अनलेस यू डोंट स्टडी, अनलेस यू डू नॉट स्टडी, कॉमा यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना इसको। मैंने बोला अनलेस यू डोंट स्टडी यू कैन नॉट पास। ऊपर क्या लिखा था, ऊपर लिखा था मैंने कि अनटिल और अनलेस जो होते हैं वो कैसे वर्ड होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इसके साथ में नो का, नॉट का, नेवर का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, अनलेस यू डोंट स्टडी, नॉट का यूज़ हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलेस यू स्टडी यू कैन नॉट पास। अब यहाँ पर ये मिस्टेक मत करना कि यहाँ पर भी नॉट हटा दो, ये कॉमा है, कॉमा के बाद हो गया दूसरा सेंटेंस, ठीक है। आपको अनलेस वाला पोर्शन पकड़ना है, अगर अनलेस इसके बाद यूज़ हो रहा होता कॉमा के बाद, तो यहाँ वाले सेंटेंस में आप नॉट हटाते, पहले यूज़ हो रहा है तो उसमें आप नॉट हटाओगे, ठीक है। ये समझ में आया, ऐसे पढ़ने में क्या लगेगा ना कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, अनलेस यू डोंट स्टडी, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप पास नहीं होगे। सुनने में बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है, अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। नेक्स्ट रूल क्या है, नंबर फाइव ये होता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो से रिलेटेड। एग्जाम्पल से समझो सीधे इसको, मैंने लिखा ही नॉट ओनली विजिटेड
दिल्ली बट ऑल्सो पुणे। ठीक है, आजकल नॉट ओनली बट ऑल्सो पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसमें समझना क्या है, थोड़ा अच्छे से समझना। इसके अंदर होता ये है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ में हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो डिफरेंट होती हैं, और जो भी इन दोनों में कॉमन चीज़ होती है उसको हम नॉट ओनली से पहले लगाते हैं। समझ में आया मतलब? मतलब ये कि विजिटेड, विजिटेड का यूज़ किसके लिए किया गया है? दिल्ली के लिए भी किया गया है और पुणे के लिए भी किया गया है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो पुणे। समझ में आया कि ऐसा पोर्शन जो दोनों के लिए कॉमन होगा, ऐसी कोई भी चीज़ जो कॉमन है दोनों के लिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों को कवर कर रही है, दिल्ली अलग जगह होगी, पुणे अलग जगह होगी, तो ये आएंगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो की बात। लेकिन विजिटेड दिल्ली के लिए भी कॉमन है और पुणे के लिए भी कॉमन है, तो ये कॉमन वर्ड नॉट ओनली बट ऑल्सो से पहले आएगा हमेशा। यही इसकी एरर है और ये आजकल एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली एरर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड द लास्ट रूल इसका क्या है? 6 नंबर का रूल, सिंस और फॉर का यूज़। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि मैम सिंस कहाँ पर यूज़ करना है और फॉर का यूज़ कहाँ पर करना है। एक बार बताएंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। सिंस जो होता है इसका यूज़ हम करते हैं इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ की शुरुआत में, इनिशिएशन ऑफ टाइम में। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कहीं पर ये लिखा मिल जाए कि कितने समय के लिए, कितने घंटों के लिए, कितने समय के लिए, कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने बरसों के लिए, ठीक है, कितने मिल जाए, क्या है, कितने का आंसर मिल जाए, ठीक है, कितने सालों के लिए, कितने बरसों के लिए, कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए, कितने मिनट के लिए, कितने सेकंड के लिए, तो उस कितने के में साथ में क्या होता है? फॉर होता है। और जब शुरुआत मिलती है सिर्फ कि 9 बजे, 10 बजे, 2 महीने पहले, 1997 में, 2015 में, तो वहाँ पर क्या होता है? सिंस होता है। इनिशिएशन ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर होता है। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM। और दूसरा है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। अब आप बताओ, जो पहले मैंने लिखा कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर सिंस 9 AM, यहाँ आपको पता चल रहा है कि कितने के लिए, 9 AM से पढ़ना शुरू किया, ठीक है, शुरू करने से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि अभी कितना बज रहा है या उसने 9 AM से लेकर कितने बजे तक स्टडी की, कितने घंटे पढ़ा। यहाँ पर सिर्फ ये पता चल रहा है कि शुरू किया कब, 9 AM को। और यहाँ क्या पता चल रहा है? कितने घंटों के लिए? 4 घंटों के लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था? जब भी कितने का आंसर मिल जाए, घंटों का मीन्स आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? फॉर होता है। और जब सिर्फ आपको शुरुआत मिलती है तो वो होता है सिंस। होप कि आपको भी दोबारा डाउट नहीं होगा। तो ये आपके रूल्स किसके थे? कंजंक्शन से रिलेटेड थे। मेरी क्लासेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम के पास। टेलीग्राम के ऊपर वेकअप अकेडमी नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी क्लासेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और रूल्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद टू ऑल।